नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। DSSSB ने फिर से साबित कर दिया कि वो नकारा बोर्ड है। फिर से बच्चों के सपनों को साकार न करते हुए उनको निराकार कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट की, उसके बाद करेंगे हम न्यू वैकेंसीज की। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फिर से उन्होंने अमेंडमेंट किया है रिजल्ट देने में। जो टेंटेटिव डेट दी है वो इस प्रकार से है, ये नोटिस आज ही आया है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जो असेंशियल थी एक पोस्ट कोड के लिए, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी था उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। बाकी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसको बताया जाए। अब है, हम बात करते हैं कि ये पोस्ट कोड हैं, इनकी जो टेंटेटिव डेट है डिक्लेरेशन की, वो फिर से अमेंडमेंट कर दी गई है। जैसे पोस्ट कोड 22/21 असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आएगा 30/9/2022, 30/9/2022, ठीक है। और जो आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है 42/21 का रिजल्ट आएगा अब आपका 17/10/2022, ठीक है। तो पहले 31 तारीख था 31 अगस्त, अब 2 महीने और बढ़ा दिया गया है, अब ये आएगा 17/10/2022 में, 17/10/2022 में। और जूनियर क्लर्क 13/20 इसका आएगा 15/9/2022 को। तो ये था रिजल्ट का खाका, जो ये अपनी जो इन्होंने पहले डेट दी थी उसको बीट नहीं कर पाए, मीट नहीं कर पाए, और अब फिर से इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है। पता नहीं इसको भी मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। DSSSB के अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए जो न्यू पोस्ट आनी थी उसके बारे में भी अब मुझे अनसर्टेनिटी दिखाई देने लगी हैं। क्योंकि जब ये रिजल्ट के लिए डेट देते हैं टेंटेटिव और उसको बढ़ा देते हैं तो वैकेंसीज का क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस बार, इस साल कोई चांस नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होप है। अग्रवाल सर, उनसे बात हुई थी तो वो पॉजिटिव हैं वैकेंसीज के लिए। वो बोल रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसको आने दीजिए, अगर तब तक वैकेंसीज नहीं आती हैं तो हम फिर से लेटर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ना कुछ तो अंदर ही अंदर कुछ चला हुआ है। जिस तरह से अग्निवीर पैदा हुए थे कागजों पर, जो पॉलिसी आई थी उसमें भी किसी को कानों कान खबर नहीं दी गई थी कि क्या चल रहा है अंदर। मेरे भी जानने वालों के नंबर आए हुए थे, मैंने भी वहाँ पे गया था, मैं पता किया था, तो उन्होंने सीधा कहा था कि रिजल्ट तैयार है, कभी भी आ सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने पॉलिसी ला दी थी कि अब ये ख़त्म है और अब ये 4 साल के लिए अग्निवीर बनेंगे। तो वहाँ वैकेंसी तो छोड़ो, रिजल्ट के भी लाले पड़ गए थे। ऐसे ही यहाँ पर वैकेंसी तो दूर दूर की बात है, अब रिजल्ट के भी लाले पड़े हुए हैं कि कब आएगा। डेट देते हैं लेकिन वैकेंसीज तो छोड़ो, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगली वीडियो जो आ रही है वो आ रही है DSSSB के और भी भयानक रूप के ऊपर, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। नियम कुछ और बनाते हैं और फिर दूसरे नियम ला देते हैं बीच में ही, जबकि कभी भी जो कोई गेम चला होता है उसके बीच में रूल चेंज नहीं होते हैं, और ये हमेशा रूल चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक है, अगली वीडियो में आ रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, आपके रिजल्ट की टेंटेटिव डेट आ गई है, जो 3 मैंने पोस्टर बताए वो आप देख सकते हैं, वो इसमें मैं फ्लैश भी कर दूंगा तो आप चेक कर सकते हैं। और रही बात अपकमिंग वैकेंसीज की, तो अभी नियर फ्यूचर में जल्दी आप बोलूँ कि 1-2 महीने में या कभी भी आ सकती हैं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर कट में बोल रहा हूँ, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा,
एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।